हेलो गाइस, मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो अपने ही सोल के साथ बहुत ही डीप लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो। मैस्कुलिन्स भी कनेक्ट हो रहे हैं अपने सोल के साथ बहुत ही डीपन लेवल पे, जो कि अलाइनमेंट है गॉड के साथ, खुद के सोल के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट है। एनर्जी जो है उनकी फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, तो अपने ही साथ यूनियन में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है ये। कंप्लीट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है ये। फोकस जो है वो उनके इनवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा है, अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से अपने ही सोल के साथ वो यूनियन रिक्रिएट कर रहे हैं। तो हाईएस्ट टाइमलाइन जो है उसमें उन्होंने टैप किया है मैस्कुलिन्स ने, और सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुपर कॉन्शियसनेस की एनर्जी फ्लो हुई थी कल, तो वो कम्प्लीटली उस एनर्जी को ट्विन फ्लेम्स ने रिसीव किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, डिविनिटी आई है मैस्कुलिन्स के अंदर, इनर एनर्जेटिक स्टिलनेस आई है उनके अंदर। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पूरा हफ्ता ऐसे ही जाएगा, ये इस हफ्ते लाइन गेट पोर्टल तक चीज़ें ऐसी जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हाई रहेगा और एनर्जी फ्लो होती रहेगी। कंप्लीट गॉड कॉन्शियसनेस में आए हैं मैस्कुलिन्स इन ह्यूमन बॉडी, जो कि उनको सोल मिशन की तरफ ले जा रहा है। आप लोग मैस्कुलिन्स जो हैं वो आपको कंप्लीट रेस्पेक्ट दे रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, आपके आपकी फेमिनिटी को, फेमनाइन एनर्जी को। आप लोग अपने ही सोल को फॉलो कर रहे हैं फेमनाइंस। मैस्कुलिन्स जो हैं वो गोल्डन गया जो है उनके लिए यूनियन, अपने ही सोल के साथ यूनियन के लिए रास्ता बना रही हैं। आपकी क्रिएटिविटी, पैशन और टैलेंट्स इंक्रीज हुए हैं। तो मैस्कुलिन्स का डायमंड हार्ट एक्टिवेट हुआ है, लव जेनरेट हुआ है आपके फेमिनाइंस, आपके मैग्नेटिक फील्ड में लव जेनरेट हुआ है। तो ये सब चीज़ें कल के एनर्जी फ्लो की वजह से हुआ है। ये पूरा हफ्ता चलेगा, ये आपका ओन सेल्फ जो है वो कंप्लीट फ्रीडम में आया है, लिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी इन्फिनिट पावर्स इनसाइड में फील हो रहा है, पॉजिटिविटी और अबंडेंस इनसाइड है, जो कि आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा आपको और आपके मैस्कुलिन को। आप दोनों कंप्लीट सोर्स ऑफ पावर बन चुके हो, और सैक्रल एनर्जी जो है आपकी अंदर से इनवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ फ्लो हो रही है टू क्रिएट सोल यूनियन। तो ये यूनियन की तरफ ले जा रहा है आपको अपने ही सोल के साथ, अपने ही डिविनिटी के साथ, अपने ही लव के साथ। सोलर बॉडी एक्टिवेट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अपने ही पावर को पसंद कर रहे हो आप, लव कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। और मैस्कुलिन्स जो हैं वो आपके सोल के लव फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी थी, एनर्जी है आज भी, कल भी, ये कुछ चलेगा ये एक हफ्ते तक। ये आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा रिसीव करोगे, तो अलाइनमेंट में रहें। ये मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी है। और अब थोड़ा सा गाइडेंस दे देती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लव योरसेल्फ, तो लव योरसेल्फ का बहुत डीप मीनिंग निकलता है जब आप अपने ही सेल्फ लव में आते हो। तो आपके हार्ट में एक लव फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट करता है अराउंड में, सारी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, अच्छी तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। तो जब भी आप अपने ही सेल्फ को लव करते हो, अपने विजडम को, अपनी डिविनिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को,
अपने आप को क्रिएट करने में, अपने ही साउंड को, अपने ट्रूथ को, अपने बिलीव और फेथ को, वननेस को, इन सब को जब आप अपने ही अंदर क्रिएट करते हो, फील करते हो, जनरेट करते हो, तो आपके आप जो एक मिनी वर्जन हो अर्थ गया का और यूनिवर्स का, तो आप जो भी चीज़ें फील करते हो वो आपके अंदर जाता है और आपके सोल अपनी अपने ही सोल के साथ आप यूनियन में आ जाते हो। तो इसको कंप्लीट ट्विन फ्लेम यूनियन बोलते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके अंदर है। तो जब आप अंदर से यूनियन को अचीव करते हो, फील करते हो, महसूस करते हो, वो यूनियन जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और वो बहुत ही इनर स्टिलनेस के साथ हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, बहुत ही हारमोनियस इनर पीस के साथ हो जाता है। तो अपने ही सोल के साथ यूनियन में आना कंप्लीट एक यूनियन होता है। उसको हमेशा हमेशा उस फीलिंग को, उस सेल्फ लव फीलिंग को, अपना अपने सोल अपने अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और ये जो जर्नी आपको मिली है, इसको प्यार करना, अपने ही स्पिरिचुअल वर्जन को प्यार करना, ये कंप्लीट एक तरह का यूनियन है जो बहुत ही मस्त है। इसमें आपका एनर्जी जो है आपके अंदर ही फ्लो होता रहता है, फोकस जो है कंप्लीट अंदर की तरफ फ्लो होकर अपने सोल के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे लव अपने आप को करोगे आप, रोमांस अपने आप को कर पाते हो, कंप्लीट एक एक इनर पीस, एक फ्रीडम, एक लिब्रेशन फील करते हो कि आप रियल हो, आप क्रिएटर हो। तो वो पॉजिटिविटी आपको अंदर से सोल के साथ डीपन लेवल पे कनेक्ट होने में हेल्प करता है और ये बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे कैसा भी चीज़ें हों, आपका ये इनर पीस हमेशा हमेशा के लिए स्टेबल हो जाता है, एक इनर स्टिलनेस आ जाती है आपके अंदर। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फील करें, महसूस करें, और अपने ही सोल मिशन या सोल वर्क जो भी आप कर रहे हो उसको रेस्पेक्ट करें, अपने आप को एंजॉय करना, अपने आप को फील करना, अपने विजडम को समझना, ये सब भी एक यूनियन है। सेल्फ के साथ यूनियन में आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इनर वर्ल्ड में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें क्रिएट कर पाते हो जब आप इनर सोल के साथ यूनियन में आते हो। तो आपके वूम में, वूम चक्रा में, आपका जो गया चक्रा है उसमें बहुत कुछ आप क्रिएट कर पाते हो, और इस यूनिवर्स में क्राउन चक्रा के थ्रू रिलीज़ कर पाते हो, जो कि कंप्लीट एक सोल यूनियन होता है। तो इस सोल यूनियन को अचीव करके, उसको महसूस करके आप इनर पीस में जब आओगे तो कंप्लीट एक अपने अंदर एक कंप्लीटनेस, होलनेस फील करोगे आप, ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीट हो चुके हो। तो ये हमेशा फील करें इस चीज़ को, अपनी ही चीज़ों को अप्रिशिएट करें, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करें, अपने सुपर पावर को रियलाइज़ करें, और हमेशा अपने आप से बहुत ही अपनी इस जर्नी को प्यार करें, इस गिफ्ट्स को प्यार करें, इस डिविनिटी को प्यार करें सबसे पहले। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।